अश्वगंधा और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई PDE5 इनहिबिटर्स जो है या दवाइयाँ जो है वायग्रा या CIAL या जो भी कोई है, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, ये मत दो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो हमको नेचुरली बताओ कैसे करना, तो नेचुरल क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, कैसा होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बताया। आज मैं बताने वाला हूँ अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा के रूट्स आते हैं और वो रूट्स में विथेनोलाइड्स रहता है। विथेनोलाइड नाम का एक केमिकल रहता है, सब्सटेंस रहता है। और ये विथेनोलाइड जो है अश्वगंधा में जो आता है, वो ब्लड फ्लो मतलब खून का बहना, लिंग में खून का बहना बढ़ाता है। और यदि खून बहना ज़्यादा चालू हो गया लिंग में तो नेचुरली इरेक्शन आ जाएगा। अश्वगंधा का फायदा ये भी है कि उससे इच्छा जो है, सेक्स की इच्छा भी बढ़ जाती है, या अश्वगंधा मतलब इच्छा बढ़ाने वाली दवाई बोली जाती है। उसमें प्लेजर भी बहुत अच्छा आता है, आनंद बहुत ज़्यादा आता है यदि अश्वगंधा आप लेते हैं तो। और परफॉर्मेंस भी है, मतलब टिकना, सेक्स में ज़्यादा समय टिक भी सकते हो। अश्वगंधा से आपकी मेंटल हेल्थ, मानसिक अवस्था अच्छी रहती है, तंदुरुस्त रहती है, फिट रहते हो आप, मेंटली कूल एंड क्वाइट रह सकते हो, नींद अच्छी आती है। और जो एथलेट्स है, जिमनास्ट जो है, एथलेट जो है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बढ़ता है, इसलिए वो लोग भी लेते हैं अश्वगंधा। अब अश्वगंधा जो है, इसके पाउडर मिलता है अश्वगंधा का, और यदि आप पाउडर 500 मिलीग्राम लेते हैं, मतलब एक चम्मच या दो चम्मच जितना भी है, 500 मिलीग्राम, और 2 से 3 महीने आप लेते हैं, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा इरेक्शन के ऊपर होता है। और अश्वगंधा से एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि अश्वगंधा आप लेते तो सेक्स हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन, वो भी बढ़ता है। अश्वगंधा की दवाइयाँ मतलब आयुर्वेदिक टैबलेट्स आती है, मार्केट में मिलती है, और अश्वगंधा की पाउडर मिलती है, और यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, इच्छा में, सेक्स हार्मोन बढ़ाने में फ़ायदा जरूर होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।